तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्पॉइलर वीडियो को कवर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो के इस चैप्टर के थोड़े से प्रीव्यू को देखेंगे, तो जिन लोगों को ये प्रीव्यू ना देखना हो वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। यामोशी काफ़ी दूर जाके लैंड करता है और डीमन एम्परर की नकली कब्र में से ना ही कोई मूवमेंट महसूस हो रही होती है और ना ही कोई एनर्जी। आखिरकार सेक्टर 9 का डीमन एम्परर बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से हांफ रहा होता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं कि उसका हाथ अभी भी आगे होता है और उसके हाथ में से अभी भी पिछले अटैक की वजह से धुआं निकल रहा होता है। जल्द ही डीमन एम्परर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। डीमन एम्परर गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम मास्किलो थोड़ों के साथ काफ़ी लंबे समय तक खेल लिया है, जब मुझे चांस मिला था तभी मुझे तुम्हारे सर के लिए जाना चाहिए था, वो मेरी गलती है और एम्परर सेगा एक गलती को दोबारा नहीं करता। एकदम से ही हम देखते हैं कि एम्परर सेगा के हाथ में दो डार्क डिमोनिक एनर्जी से बने हुए ब्लास्ट होते हैं। एम्परर सेगा बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इस लड़ाई में वो अपनी वापसी करने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं कि सेरेफिम यामोशी एकदम से हंसने लग जाता है, बिल्कुल वेजिटो की तरह। यामोशी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा सर चाहिए तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उससे कुछ ज़्यादा ही दूर हो। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यामोशी ये बोलते ही उड़ता है और सीधा एम्परर सेगा की तरफ जाने लग जाता है। यामोशी धीरे धीरे उड़ रहा था और अचानक से ही वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपने पीछे काफ़ी सारी आफ्टर इमेज छोड़ते हुए वो सीधा एम्परर सेगा की तरफ जाने लग जाता है। एम्परर सेगा को यामोशी की स्पीड पर विश्वास नहीं हो रहा होता और एकदम से ही वो घबराते हुए चिल्लाता है, क्या। यामोशी एकदम से डीमन एम्परर के सामने पहुँच कर उसे अपने दोनों हाथों से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारता है। यामोशी चिल्लाता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो डीमन कचरे। एम्परर सेगा यामोशी की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता। एम्परर सेगा की बॉडी पीछे की तरफ जाके गिर रही होती है और वो चिल्लाता है कि आखिर तुम ये कैसे कर रहे हो। सेगा बहुत सारी माउंटेन से टकराते हुए पीछे की तरफ जाता है और आखिरकार एक गुफा के अंदर जाके गिरता है। हम उस गुफा को देखते हैं, वो गुफा बिल्कुल शांत लग रही होती है, वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। तभी हम गुफा के अंदर सेगा के चेहरे को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है। यामोशी से लगातार पिटने के बाद सेगा बहुत बुरी तरीके से दर्द से कर रहा होता है। तभी हम सेक्टर 9 के डीमन एम्परर की बॉडी को देखते हैं, वो बिल्कुल बेजान ज़मीन पर पड़ा होता है और इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, कौन सोच सकता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, कौन सोच सकता था कि ये मास्क के लोथड़े भी इतने ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं, इतने मज़ेदार हो सकते हैं। आज तक किसी डीमन एम्परर ने भी मुझे इस तरीके का चैलेंज नहीं दिया है मेरी जगह को हासिल करने के लिए। सच में अब आखिरकार समय आ चुका है कि मैं इस नई ताकत का इस्तेमाल करूं, जो कि मुझे मेरी नई परफेक्ट फॉर्म में मिलती है। आखिरकार हम देखते हैं कि एम्परर सेगा अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। इस डीमन एम्परर ने अपनी जो भी नई ताकत को अनलीश किया है, हो सकता है उस ताकत की वजह से इस लड़ाई का पासा पूरी तरीके से पलट जाए। केव के बाहर हम देखते हैं कि यामोशी एकदम से ही आके लैंड करता है और क्योंकि वो इस लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीत रहा था, इसीलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है। हम यामोशी के चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है, सेगा अब जल्दी बाहर आओ, वहाँ अंदर छुपे रहकर तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। और मुझे देखो, मुझे लग रहा था कि एक गॉड होने के नाते मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अब ये मत कहना कि तुम्हारे को एक नया टाइटल चाहिए जो कि होगा एक एम्परर के नाम पर धब्बा। मैं वादा करता हूँ कि मेरा बदला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं जो कि यामोशी के पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने हाथों को अपने कमर पर रखता है और बोलता है कि यामोशी, मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा ज़्यादा घमंड होता जा रहा है। जब पिछली बारी हम लड़े थे तो तुमने मुझे कई बारी हराते हराते छोड़ दिया था ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम्हारी ट्रू सुपर सैयन गॉड फॉर्म कितनी ताकतवर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तुम वही गलती कर रहे हो। अगर तुम्हारा हो गया है तो अभी के अभी उसे ख़त्म कर दो। हम सभी जानते हैं कि वेजिटो यामोशी को सही सलाह दे रहा है, पर देखना यह है कि यामोशी वेजिटो की सलाह को मानेगा या नहीं, और वो हमें पता चलेगा पूरा चैप्टर आने के बाद। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।